नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में और एक अच्छे वाले स्टॉक के बारे में, जहाँ पे कुछ अपडेट आया है वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो है मेंबरशिप भी लाया है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टॉक का अपडेट दिया है, सबका जो है अपडेट टारगेट प्राइस जो कम्प्लीट हुआ है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं आपको अच्छे वाले स्टॉक के बारे में अपडेट देने के लिए। आज यहाँ पे हम लोग वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में नहीं, जो AGR को लेके अपडेट आया है वो भी बताने वाले और थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में भी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वोडाफोन आइडिया का जो भी वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे बताया था आपको कि अगर आप वोडाफोन आइडिया में मुनाफे में हैं तो वोडाफोन आइडिया से फ़िलहाल आप बेच सकते हैं, हट सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक से। तो बहुत जने कमेंट किया था कि वोडाफोन आइडिया जो है बहुत बड़ा, मतलब मल्टी बैगर भी बन सकता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन है। तो अभी जो AGR में अपडेट आया है वोडाफोन के बारे में, AGR को लेके, तो ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो अपडेट आया है इसके चलते हो सकता है वोडाफोन आइडिया को मुश्किल हो जाए। तो वोडाफोन आइडिया को क्या अपडेट आया है शायद से सब लोगों को पता रहेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से छोटा एक जो है अपडेट आपको देने के लिए। अभी जो विशेषज्ञ है उन लोगों का ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया का जो भी अमाउंट है AGR, वो 10 साल के अंदर जो कंप्लीट करने के लिए देने के लिए बताया है वो 15-20 साल से तो कम है, और उसके चलते हो सकता है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जो भी ये अपडेट आया है वो रिलायंस जियो एंड भारतीय एयरटेल के पक्ष में है। उसके बाद हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट है वोडाफोन आइडिया पहले से दिक्कत में आ रहा है। और जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने पहले भी बताया था, अगर हम लोग अभी टेलीकॉम सेक्टर का बात करते हैं प्राइवेट में, तो सबसे पहले जो कस्टमर है वो है रिलायंस जियो का, उसके बाद आता है भारतीय एयरटेल का, उसके बाद आता है वोडाफोन आइडिया का। और वोडाफोन आइडिया का जो कुछ दिन पहले ट्राई का भी अपडेट आया था, उसमें भी ये बताया गया था कि वोडाफोन आइडिया से बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है दूसरे नेटवर्क में पोर्ट कर लिया अपना नेटवर्क का सिम। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया का, हम लोग जो प्राइस देख रहे हैं आज भी जो इसमें गिरावट देखने को मिला है, करीबन 13.73% का इसमें गिरावट देखने को मिला है, 140 पैसे का स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला है। ऑलरेडी एक पेनी स्टॉक है और ऐसा अभी लग रहा है कि स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा दे सकता है आपको, तो ज़रूर आप बने रह सकते हैं। लेकिन हम लोग का सजेशन रहेगा, ये स्टॉक में अगर आप ये स्टॉक में मुनाफे में हैं तो हट, ये स्टॉक से जो है आप हट जाना ही अच्छा रहेगा। मतलब अगर आपको मुनाफे में तो आप बेच सकते हैं ये स्टॉक में, क्योंकि अभी जो अपडेट आया है उसके चलते वोडाफोन आइडिया से भी कुछ जो है अलग से कमेंट नहीं आया है कि इन लोगों के लिए जो है ये एक अच्छा जो है AGR का जो अपडेट आया वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा है, या फिर जो है इसमें ये लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इन लोग का AGR भुगतान करने के लिए, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है वोडाफोन आइडिया से। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब से रिलायंस जियो लॉन्च हुआ है मार्केट में करीबन 2016 के आसपास, उसके बाद से जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है उन लोगों को एक दिक्कत आया है, और उसके चलते वोडाफोन आइडिया जो कि दोनों अलग अलग कंपनी थे, दोनों एक साथ मर्ज हो गए थे। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद भी जो वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस भी कम है, और वोडाफोन आइडिया का जो है अभी इन लोगों ने जो इन लोगों का क्वार्टरली रिजल्ट दिया था उसमें भी जो है एक लॉस देखने को मिला था। अभी जो है ये साफ साफ बता दिया गया है कि इन लोगों का जो भी ड्यूज़ है AGR के तहत वो करीबन 10 साल के अंदर इन लोगों को चुकाना है। इसी के चलते ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है कि हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को जो है जो इनका एक बिजनेस है उसमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी ना हो, जिसने भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर रकम चुकाने के लिए 15 साल की मांग की थी। हालांकि भारतीय एयरटेल फैसले से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है, हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने अपनी स्टैंडर्ड बैलेंस शीट के साथ जीवित रहना मुश्किल हो सकता है, ऐसा भी विशेषज्ञ का मानना है। भारतीय एयरटेल के जो है अमाउंट जो है उसके चलते अगर बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल का जो अमाउंट है वो लग रहा है कि जो भी AGR के तहत अमाउंट है वो लग रहा है कि जो है भारतीय एयरटेल चुका पाएंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक दिक्कत हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए हम लोगों को अगर आपने स्टॉक लिया है वोडाफोन आइडिया का
तो आपके लिए जो है ये एक अपडेट रहेगा या फिर आपके लिए अच्छा जो है एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि अगर आपने स्टॉक लिया है भारतीय एयरटेल का, माफ़ कीजिए वोडाफोन आइडिया का, तो आपको जो है ये स्टॉक बेच के अभी हटना चाहिए अगर आप मुनाफे में हैं। अगर आप मुनाफे में नहीं है दोस्तों तो आप खुद से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत जन को लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी मुनाफा आ सकता है, ऐसे भी कुछ कमेंट्स मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा मुनाफा दे सकता है तो ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं। ये सिर्फ एक हम लोग का सजेशन है और जो भी रिसर्च करने के बाद हम लोगों को मिला है वही हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। भारतीय एयरटेल के अनुसार जो है इस पर DOT का 13,004 करोड़ रुपया बकाया है, जो पहले ही 5,000 करोड़ रुपये के साथ नेटवर्क भुगतान में जो है चुका दिया है। हालांकि DOT ने भारतीय का बकाया 43,780 करोड़ रुपया बताया है। अभी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जो है SEC जो अपडेट आया है AGR के तहत जो अमाउंट चुकाना है उसको चुकाने के लिए 10 साल तक जो है वोडाफोन आइडिया को एक समय दिया गया है। उस समय ये समय सीमा के अंदर वोडाफोन आइडिया को जो अमाउंट AGR का वो चुकाना है। अभी अगर बात करते हैं DOT के अनुसार कुल राशि 1.19 लाख करोड़ रुपया थी वोडाफोन आइडिया का, 58,254 करोड़ रुपया, भारतीय एयरटेल का 43,989 करोड़ रुपया और टाटा टेली सर्विसेज का सरकार पर 16,798 करोड़ रुपया बकाया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो बकाया है वो है वोडाफोन आइडिया का 58,000 करोड़ के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं भारतीय एयरटेल का एंड उसके बाद आता है टाटा टेली सर्विसेज का जो कि जो है 16,798 करोड़ का आसपास है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत या फिर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट चुकाना पड़ेगा वो है वोडाफोन आइडिया को, वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर, जो ये लोग पहले कोशिश कर रहे थे वो 15 से 20 साल करने के लिए, ताकि इनको एक अच्छा समय सीमा मिल जाए ये AGR भुगतान करने के लिए। और इसके चलते वोडाफोन आइडिया और एयरटेल एक साथ मिल के ये ट्राई कर रहे थे, या फिर हम लोग बोल सकते कि कोशिश भी किया था वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जो समय सीमा है इनका AGR भुगतान का वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि इनको एक अच्छा खासा मौका मिले बिज़नेस के साथ जो है AGR के भी भुगतान करने के लिए। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का अगर बात करते हैं, जब से AGR का बात आया है तब से वोडाफोन आइडिया में दिक्कत चल रहा है, और वोडाफोन आइडिया इसके पहले भी आया था कि शायद से वोडाफोन आइडिया जो है मार्केट में अपना बिजनेस जो है क्लोज भी कर सकता है। उसके बाद भी जो है इन लोगों ने ट्राई किया है और अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो मार्केट में है अभी भी उनको, लेकिन ये AGR का जो ड्यूज़ है 58,000 करोड़ के आसपास वो चुकाने के लिए जो 10 साल का समय सीमा दिया गया है उसमें हो सकता है इनको एक दिक्कत बना रहे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो जो है हम लोग इसीलिए बनाया और बनाने का मकसद भी यही था कि थोड़ा सा जो एक अपडेट है वोडाफोन आइडिया के बारे में AGR को लेके वो आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वोडाफोन आइडिया में अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है, छोटा अमाउंट का स्टॉक है और अगर बात करते हैं तो पेनी स्टॉक में ये चल रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में एक छोटा सा अपडेट देने के लिए, ताकि अगर आपके पास शेयर है वोडाफोन आइडिया का, अगर आपने वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। आशा करते जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर आप हमारे YouTube चैनल फिनोइज पे नए हैं तो जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।